महाराजाओं के वक्त की दुकान, महाराजाओं के वक्त की दुकान है ये। जब डोगरी संस्था का ऑफिस नहीं होता था तो यहाँ पे वो खुद डोगरी के राइटर बैठ के कविता वगैरह लिखते थे। जब करण नगर में उनका ऑफिस नहीं होता था, यहाँ पे रात को एक एक दो बजे तक बैठ के वो कविता लिखते थे। यहाँ महफिल चलती थी। तो हम इस वक्त फतू चौगान की मशहूर बांटे वाली दुकान के ऊपर हैं। तो भाई साहब पता नहीं, अच्छा कोई आया गया। तो आप ये हाथों का कमाल देखें, ये स्पीड देखें, ये इनका पुश्तैनी काम है। और आप देख सकते हैं कि तेज़ी क्या है। ये बांटा बन रहा है, जम्मू की एक मशहूर ड्रिंक है। बहुत गर्मी जब होती है, गर्मी से अपने आप को राहत के लिए ये ड्रिंक बनती है। आप ये देखें, स्पीड देखें, ध्यान से स्पीड देखिएगा, ये देखें, ये एकदम कितनी तेज़ी के साथ ये काम होता है। ये बांटा आया यहाँ से, ये देखें जी, ये बांटा धनी जी की हट्टी, बड़ी मशहूर ऐतिहासिक बड़ी पुरानी हट्टी है। बड़ी वीडियोज़ आपने इस धनी जी की हट्टी की देखी होंगी। और मैं पिछले 24 साल से इस दुकान पर लगातार आ रहा हूँ, और उन 24 सालों में एक ही बदलाव आया है कि भाई साहब पहले छोटे थे, अब जवान हो गए हैं और दुकान पे हैं और अपने पिताजी का काम जो है वो संभाल रहे हैं। फ्लेवर्स नए ऐड कर दिए। हाँ, फ्लेवर्स नए ऐड कर दिए। और चार नींबू वाली भी एक चीज़ यहाँ ही बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं चार नींबू वाले को? सर वो फालसे का शरबत है, वो जिगर के लिए अच्छा होता है। फालसे का शरबत है, जिगर के लिए अच्छा होता है। वो सिर्फ जून महीने में ही आता है। एक्चुअली सेंस का नहीं बनाते हैं, ओरिजिनल फालसे जब फ्रूट आता है तभी बनता है वो। तभी बनता है वो। अच्छा, उसके अलावा बांटा, बांटे के अलावा भी कुछ और? बादाम का शरबत बनता है, जंजर का बनता है, जंजर का पेट की खराबी हो, भूख कम लगती हो उसके लिए होता है। फालसे का शरबत हो गया, संदल का शरबत हो गया, ये सारे शरबत आप बनाते हो। तो मुझे ये बताना कि पिताजी आपके जब यहाँ पे बैठते थे उनके चेहरे पे स्माइल, वो ब्रॉड स्माइल आपके चेहरे पर भी होती है, तो इसका कोई खास राज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस हम अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं, बस ऐसी कोई बात। काम में पूरे काम का पूरा मजा लेते हैं आप। तो ये जो तेजी हाथों में है ये कैसे? ये बस बुजुर्गों का आशीर्वाद है, पहले दादाजी बैठते थे, आज फोर्थ जनरेशन है शॉप पे। चौथी जनरेशन है शॉप पे। लगभग इस दुकान को कितने साल हुए होंगे? 120 साल से ज्यादा हो गए इसको। 120 साल से, मतलब ये मैं कहूँ आसानी से कि महाराजाओं के वक्त की दुकान है। जी सर, महाराजाओं के वक्त की दुकान, महाराजाओं के वक्त की दुकान है ये। जब डोगरी संस्था का ऑफिस नहीं होता था तो यहाँ पे वो खुद डोगरी के राइटर बैठ के कविता वगैरह लिखते थे। जब करण नगर में उनका ऑफिस नहीं होता था, यहाँ पे रात को एक एक दो बजे तक बैठ के वो कविता लिखते थे। यहाँ महफिल चलती थी। और आज आप देख सकते हैं कि जहाँ डोगरी संस्था जब नहीं हुआ करती थी, डोगरी के बड़े बड़े प्रसिद्ध लेखक शायर यहाँ पर शायरी किया करते थे। और आज आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, इनके पिताजी जब यहाँ बैठे होते हैं तो उनके साथ भी जब आप वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जिस मोहब्बत और जिस प्यार के साथ वो आप खुलूस के साथ आपसे मिलते हैं, आप हैरान हो जाते हैं कि इस प्रेशर के बीच में और इतना अच्छा काम इनका है उसके बावजूद विनम्रता, शालीनता और बड़े प्यार और मोहब्बत से मिलने वाले इनके पिताजी, कमाल है। मुझे ये भी बताइए, धनी राम दी हट्टी, ये आपके दादाजी थे? ये दादाजी थे, उसके बाद ताया जी बैठते थे, उसके बाद पापा बैठते थे, अब मैं बैठता हूँ, मेरा बेटा भी बैठता है। अच्छा, बेटा भी बैठता है। बेटे की उम्र कितनी होगी? वो 9 साल का है, वो भी बैठता है। अच्छा, क्या नाम है बेटे का? दिव्यांश नाम है उसका। अच्छा, आपके पिताजी का? अशोक डोगरा, एक्स कॉर्पोरेटर, वार्ड नंबर 4। अशोक डोगरा जी के बारे में एक खास बात तो है कि मैंने उनको कभी भी क्या कहते हैं स्माइल के बगैर नहीं देखा। तो ये आप देख रहे हैं, साथ साथ में लोग जो है ले भी रहे हैं, और मैं बीच में बाधा बन रहा हूँ तो थोड़ा सा, ताकि लोग आराम से अंदर जा सके, आ सके। तो यहाँ जो है तांता बंधा रहता है पूरा दिन। फतू चौगान आपको, जब आप अगर आप बाहर से हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा से आए हैं, तो आपको अगर ये यहाँ पहुँचना है और ये बांटा पीना है तो आपको बोलना फतू चौगान में धनी दी हट्टी कहाँ पर है, रास्ता कौन सा है, तो लोग आपको बता देंगे। पक्के डंगे आना है, बीच से रास्ता अंदर की तरफ से है, या आप सिटी चौक से ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। अंदर ले आते हैं आपको दुकान के, आइए। आप दुकान के अंदर जब पहुँचते हैं तो ये यहाँ है असली कहानी गुलाम नबी आज़ाद के साथ। ये जो आप देख रहे हैं ये पिताजी हैं इन्हीं के, अशोक जी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र सिंह राणा, अजय सदोत्रा, अब्दुल गनी मलिक। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये कॉरपोरेटर थे उस ज़माने की ये तस्वीर, कविंदर गुप्ता मेयर हुआ करते थे, धर्मवीर सिंह जमवाल, रानी गार्गी बलोरिया, ये मुबारक सिंह हैं, और ये अवार्ड जो है वो मिल रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से डोगरी की शान, ये आपको कहीं पूरे जम्मू शहर में देखने को नहीं मिलेगा। नहीं सुनाओ सर, आओ इधर आओ सर, थोड़े कहीं गाल करने हैं, बच्चे भी इतने बैठे थे।
दिखे ना तुम्हें क्या करे? बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें भी डोगरी खास तौर पर मन्ने पर मन्ने जिन्हें ने मैक्सिमम केर सिंह मधुकर और डॉक्टर कंत सिंह ए आर दत्त शास्त्री और बड़े बड़े यानी कि मुंडले जेडे डोगरी दे कवि है यश शर्मा और साढ़े दीनू भाई पंत जिन्हें शहर पहलो पहल लिखी ए भगवत प्रसाद साठे जेडे डोगरी दे पहले कहानीकार है ए डी सी प्रशांत और प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जिन्हें डोगरी संस्था का नींह पत्थर रखा ते राम खजूरिया और जल अस कोई तीसरी या चौथी पढ़ते तो इंडिया जड़ियाँ जम्मू कश्मीर की इतिहास उपर इंडिया किताब किताब जी है वह अस ए वेदपाल दीप और जिंदे कन्नै में काम भी किया। अच्छा पर मैं तुम्हें कहने गल करनी है पर मैं गल अपनी मुकाम पहले जी। इसी तरीके से आप ऊपर देख सकते हैं अपने जोरावर सिंह जम्वाल साहब टीम जम्मू ऊपर ये अशोक खजूरिया और देवेंद्र सिंह राणा, वो जमाना जब राणा साहब नए नए MLA बने थे और अशोक खजूरिया साहब उस समय MLA थे, ये उस जमाने की तस्वीर है। अच्छा आगे ये आप देख सकते हैं ये उमर अब्दुल्ला हैं और उनके साथ जो नीचे बैठे हुए सुरेंद्र सिंह शिंगाड़ी हैं, अजय सदोत्रा, ये बड़ा पुराना जमाना। इसी तरीके से अगर आप ऊपर चले जाएंगे और भी कई तस्वीरें हैं, ये बड़ा इतिहास है जी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि कॉरपोरेटर भी रहे, कॉरपोरेटर रहने के बावजूद वो सादगी शालीनता जो है उनकी वैसी की वैसी रही और इनके सुपुत्र भी बिल्कुल अपने पिताजी की तरह वैसे के वैसे हैं। अब सिर्फ आपसे गुजारिश ये कि आप देश के किसी भी भाग में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, जम्मू आए तो धनी दी हट्टी यहाँ ज़रूर आपने आना है और यहाँ का बांटा आपने ज़रूर पीना है।